आप किस चैनल से हैं, किसने भेजा है आपको? आप आईडी दिखाओ, आप आईडी दिखाओ, आप आईडी दिखाओ, आप आईडी दिखाओ, आईडी क्यों नहीं पूछते? आईडी पूछो, आईडी दिखाने को दिक्कत नहीं है भाई। योगी को दुश्मन मानते हैं। दुश्मन क्या, उसकी पॉलिसी वही है, मंदिर तोड़वाना, मस्जिद तोड़वाना, ये सब करना, मुसलमानों को हमेशा मतलब जलील ख्वार करना, और कहीं के भी मुसलमानों, सबके पूरी दुनिया के मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। पॉलिसी यही है, मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टियों को कब्जा कर लो, उन पे क्या नाम है रासू का लगा दो, ये कर दो वो कर दो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अमर राम 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 राम, क्या नाम है? रजिया। ये है क्या, क्या बोलते हैं इसे? अवर इंडिया। क्या बोलते हैं इसे? अवर इंडिया। और आईडी किसे कहते हैं? आईडी किसे कहते हैं? अपना आई कार्ड नहीं है भाई, आईडी किसे कहते हैं? आपका आई कार्ड। बीजेपी सरकार में एक ही फायदा है, जो ज्यादातर दंगे नहीं हुए। हाँ, कहीं भी जो दंगे रुकावट करें बीजेपी सरकार ने। क्या काम करते हैं? बेरोजगार हूँ 3 साल से। बेरोजगार सरकार ने बेरोजगार कर दिया आपको? मैं 2014 में जॉब कर रहा था प्रोजेक्ट में, जब से बीजेपी की सरकार रही है तब से जॉब ही नहीं है। तब से बेरोजगार जब से बेरोजगार नहीं है, मैं तो दूसरा काम करना शुरू कर दिया। हाँ। परचूनी की दुकान खोली, इंजीनियर हूँ। हाँ। क्या खुद मतलब खुद रोजगार पैदा कर दिए? खुद कैसे कर देंगे? हाँ। मेरे पास दिन भर फोन आते रहते हैं कि आपको लोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पब्लिक को देखते हैं कि कौन कितनी गरीब हो गई। यहाँ आज बात चल रही है, हमें यूपी सरकार को लेकर के कार्यकाल पूरा होने वाला है, एक तरफ योगी सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, कम से कम लोगों में जागृति आएगी, मुसलमानों के अंदर सोच आएगी कि अगर कोई दुश्मन सामने खड़ा हो तो लोगों को पता चले कि हमारे अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ है। होशियार हो जाएंगे। योगी को दुश्मन मानते हैं? योगी को दुश्मन मानते हैं? दुश्मन क्या, उसकी पॉलिसी वही है, मंदिर तोड़वाना, मस्जिद तोड़वाना, ये सब करना, मुसलमानों को हमेशा मतलब जलील ख्वार करना, और कहीं के भी मुसलमानों, सबके पूरी दुनिया के मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे हिंदुस्तान का हो कहीं का भी हो। योगी सरकार में कितने मंदिर और मस्जिद? ये योगी सरकार मंदिर और मस्जिद कितने? पॉलिसी यही है। हाँ। पॉलिसी इसको थोड़ा दूर रख के। हाँ। पॉलिसी यही है। मंदिर और मस्जिद टूटे हैं? पॉलिसी यही है उसकी। वही तो पूछ रहे कि कौन से? पॉलिसी यही है, मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टियों को कब्जा कर लो, उन पे क्या नाम है रासू का लगा दो, ये कर दो वो कर दो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। दंगाइयों पे पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप पूछ के आओ, क्राइम पूछो, क्राइम रिपोर्ट। सब मस्जिद कितने टूटे? मंदिर और मस्जिद कितने टूटे हैं? तो दिल तो तोड़ ही दिए ना। दिल तोड़ दिए हैं। चलिए, आपका भी दिल टूटा है? दिल तो सभी को टूटा हुआ है। मेरा टूटा है। आपसे तो पूछ लिया हमने। मेरा टूटा है बस, सब मुझे जी। आपका भी दिल टूटा है? दिल तो सरकार का टूटा हुआ है, यहाँ बच्चे इतने खड़े हुए हैं, आप देखिए, तालीम वालीम सब बंद है, स्कूल बंद है, कोरोना, फिर प्लस ये नोटबंदी, युवा तो परेशान ही है ना उसको लेकर। जी जी, कहीं ना कहीं क्या विकल्प है? नहीं विकल्प है ही कुछ, बेरोजगारी कुछ है ही नहीं है, रोजगारी नहीं है पहली बात। तो विकल्प क्या है? अगली साल अगर इलेक्शन है तो उसमें किसको सीएम के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, हम तो आपकी बेहतरी के लिए अखिलेश यादव सही है, हमारी नज़र में सही है। देखिए, अखिलेश को और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है, अमर राम 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 राम, क्या नाम है? रजिया। क्या करते हैं आप? भैंस पालते हैं। योगी सरकार से परेशान है आप? जी। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? वो अच्छा नहीं कर रही, मोदी और होगी, इतनी महंगाई कर दी उन्होंने, गरीब आदमी कैसे करे, मेहनत नहीं है कुछ भी, और क्या खाएं, परेशान है, बहुत बहुत परेशान है, गलियों में पानी भर रहे हैं हमारी में। सरकार ये करिए कि बच्चे कम करिए तो समस्या खत्म हो जाएंगी। बच्चे कम करो, बच्चे कम करो, आप आगे क्या पकड़ रहे हो भाई? ये क्या पकड़ रहे हो? आईडी चेक करो पहले। आईडी चेक करो भाई। आप किस चैनल से हैं? किसने भेजा है आपको? आपको किसने भेजा है? नहीं, आप आईडी दिखाओ, 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 आईडी क्यों नहीं पूछते? आईडी पूछो, आईडी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आइडेंटिटी कार्ड तो होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड तो होता है ना, माइक आप अपनी आईडी दिखाओ, उनसे आईडी पूछो। ये मुसलमान, ये हालात हैं कि अब प्रेस मीडिया से माइक आईडी देखने के बाद में आईडी मांगी जा रही है कि ये कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि अब प्रेस मीडिया परमिशन लेके आएगी इन लोगों से कि भाई किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। हालांकि ये खबर इंडिया है जो कि सबको पता है, आप अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि सवाल खड़े करना और पूछना कि आप किससे आए हैं। ये है क्या,
क्या बोलते हैं इसे? अवर इंडिया। क्या बोलते हैं इसे? अवर इंडिया। और क्या आईडी किसे कहते हैं? आईडी किसे कहते हैं? अपना आई कार्ड नहीं है भाई, आईडी किसे कहते हैं? आपका आई कार्ड। अरे अपना आपका आई कार्ड सर्च करो, पहले यूट्यूब सर्च करो, दिखाओगे नहीं? यूट्यूब सर्च आम आदमी दिखा दे, आप नहीं दिखाओगे? नहीं हम दिखा दे, आप नहीं दिखाओगे? नहीं हम दिखाओगे। अगर जानकारी के लिए बताते हैं आपको कि माइक आईडी ही आईडी होती है, सामने कैमरा है, कैमरा पे मैं बात कर रहा हूँ मैं, ये खबर इंडिया है, जो चाहे सर्च करके देख सकता है कि खबर इंडिया कहाँ कहाँ घूम रहा है, किस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहा है। तो ये मुस्लिमों की राय है, ये वो राय है जो कहीं ना कहीं कोई अखिलेश को पसंद करता है, कोई किसी को करता है, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन लेकिन बात ये है कि अपनी अपनी समस्या किसको रखना है वो अपना खुली बात हो। हाँ भाई, क्या नाम है? कामिल। कामिल भाई, क्या करते हैं? हम बात कर रहे हैं योगी सरकार की, कि योगी सरकार से कितने काम काज से कितना खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये बेरोजगारी है, लोग नशे में पड़े हुए हैं, नशा बंदी हो रहा है, जगह जगह नशे बिक रहे हैं। हाँ क्या, आप तुम बताओ और बताइए और समस्या क्या है? हम अगली साल चाहते हैं कि जैसे 2022 में इलेक्शन है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए जो पब्लिक की, जो पब्लिक चाहती है वो देखना चाहते हैं। बस क्या नाम है, बीजेपी सरकार में एक ही फायदा है, जो ज़्यादातर दंगे नहीं हुए। हाँ, कहीं भी जो दंगे रुकावट करें बीजेपी सरकार ने, और क्या नाम है, जैसे मतलब दंगों से बहुत बड़ी राहत मिली है। हाँ। और कुछ ये है कि काम धंधों में तो देखिए, जैसे जैसे काम धंधों में से किसी के काम धंधे डाउन हुए। हाँ। वो तो आप भी देख रहे हैं, थोड़े से काम धंधे डाउन हुए, और दूसरी बीच बीच में कोरोना आता रहा है। हाँ। तो कोरोना से भी सरकार, कोरोना से लड़ती रही, तो काम धंधे लोगों के बहुत डाउन रहे, और काम धंधों में बस सरकार काम धंधों पर ध्यान दे और विकास पर ध्यान दे, जैसे जो विकास कम हुए और सरकार विकास में ध्यान दे, बाकी जनता के हाथ में जनता जैसे वोट दे। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग लोगों की राय है कि कोई कहता है कि अखिलेश हमारे लिए बेहतर, कोई कहता है कि योगी सरकार ने हमारे लिए बेहतर काम किया है, लेकिन अलग अलग राय है। इसीलिए आज हम दिल्ली से चल करके यहाँ पहुँचे थे, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की जानकारी लेने के लिए कि वो चाहते क्या हैं, किसको अपना मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। तो ये हमने जनता की राय को जाना। सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोग विचार अलग अलग हैं, किसी की बेरोजगारी समस्या है, किसी के लिए महंगाई समस्या है, तो किसी के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है।